जिन विद्यार्थियों की स्कूल में अटेंडेंस 75% से कम है वो इस बार सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। सीबीएसई बोर्ड ने इसके लिए सभी स्कूलों से बच्चों की उपस्थिति का डाटा मंगवाया है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बैठने के लिए 75% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। सीबीएसई ने इस संबंध में सभी स्कूलों को नोटिस भी भेज दिया है और उन छात्रों की अटेंडेंस की गिनती करने को कहा है जो इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए हिस्सा लेंगे। बोर्ड ने 1 जनवरी 2020 तक का डाटा बुलाया है। जिन छात्रों की उपस्थिति 75% से कम होगी उन्हें सीबीएसई के नियम के अनुसार परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। एडमिट कार्ड केवल उन छात्रों के लिए जारी किए जाएंगे जो अनिवार्य उपस्थिति सहित सभी मापदंडों पर खरे उतरेंगे। कम उपस्थिति वाले छात्रों की सूची क्षेत्रीय कार्यालय तक भेज दी जाएगी और आखिरी फैसला 7 जनवरी को लिया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार के पास उपस्थिति की कमी के पीछे एक वास्तविक कारण है तो उसे 7 जनवरी तक अधिकारियों के साथ सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे। सर्कुलर के अनुसार ऐसे किसी केस पर 7 जनवरी के बाद विचार नहीं किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में 2020 से कई नए नियम लागू होंगे जिनमें प्रश्नों की संख्या कम करना भी शामिल है। प्रश्न पत्र में रॉट मेमोराइजेशन आधारित प्रश्नों के बजाय 33% विकल्प और हाई ऑर्डर थिंकिंग पर अधिक प्रश्न होंगे। थ्योरी की परीक्षाएं 100 अंकों के बजाय 80 अंकों की होगी। वहां इंटरनल असेसमेंट कुल 20 अंकों तक होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।